हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजबत। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में मेरे बताया था आपको, बिना डॉक्टर के आप मुर्गी में बीमारी पहचान सकते हो। चलो इसका प्रूफ देख लीजिएगा। सारे फ्रेम पे अच्छे मुर्गियां सारे फ्रेम पे बैठे हुए हैं लकड़ियों के, बस ये एक मुर्गा नीचे है, बिल्कुल सुस्त हो गया है ये। इसमें बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है, इसलिए उड़कर जाकर ये फ्रेम पे नहीं बैठ सक रहा है। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, अंत में मेरी कौन सी भी वीडियो में एक भी झूठ नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ कहने का मन नहीं करता है यार मुझको। बस आप इसका प्रूफ देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो का मेरा, इसको बीमारी आई है, इससे ये इस बीमारी क्यों आई है, कैसा पता चल रहा है इससे बोल तो। ये फ्रेम पे सारे अच्छे मुर्गियाँ हैं, बस ये एक मुर्गा नीचे है। चलो आपको और पास लेके जाके दिखा देता हूँ। मैं इतना पास जाने पर भी ये नहीं जा रहा है और नीचे है। नाइट के टाइम हमेशा बिल्कुल भी जो मुर्गा या मुर्गी है उसको बीमारी आई तो नीचे ही रहेगा वो, ये कन्फर्मसरी। दोस्तों दोस्तों अगर से आपको ये मुर्गा या मुर्गी इसी तरह फॉर्म में रखोगे तो आप ये बीमारी उसको एक ही दिन में सारे बर्ड्स को फैल जाएगी, और फैल कर आपके मुर्गी फार्म में एक भी मुर्गी नहीं बचेगी। इसीलिए आपको ये मुर्गे को या मुर्गी को तुरंत 1 किलोमीटर दूर लेके जाना है इससे, क्योंकि ये वायरस दूसरे मुर्गियों को नहीं फैलना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह मुर्गा या मुर्गी को बीमारी है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लेके जाना है आपको। आपके घर के पास भी लेके जा सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं, रखकर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा। मेरे दोस्तों की हेल्प करने के लिए मैं हमेशा ऑलवेज अवेलेबल में ही रहता हूँ। दोस्तों एक बार सोचो, आप इस तरह फ्रेम नहीं बनाओगे तो आपके मुर्गियाँ पूरे नीचे ही रह गई, ये तो कन्फर्म। तो आपके मुर्गियाँ नीचे रहेंगे तब आपको इस तरह बीमारी आएगी, तो आप किस तरह पहचानोगे आप कौन से बर्ड में बीमारी आई है। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था आपको, इस तरह फ्रेम बना लीजिएगा। अगर से आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर विजिट करना, क्योंकि बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी, बहुत आसानी होगी आपको ये मुर्गी बिजनेस। दोस्तों और अगले वीडियोस में मेरे इसकी दवा और मेडिसिन कौन सी बीमारी है सारे वीडियोस करते रहूँगा, आपको सारी जानकारी देते रहूँगा। ये मुर्गी बिजनेस में आपको कोई परेशानी नहीं आए जैसा, इसलिए आपको मेरे वीडियोस आने के लिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है उसको सब्सक्राइब दबाना है, और बाजू में बेल आइकॉन है वो बेल आइकॉन भी दबाना है, तब आपको मेरे हर वीडियोस नोटिफिकेशन के रूप में पहले आते हैं। दोस्तों दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस, और मेरा वीडियो ये पसंद आए तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच दोस्तों।